29 अक्टूबर 2022 फिलीपींस के इतिहास का सबसे काला दिन। हर तरफ केवल मृत्यु की चीख पुकार, ना कुछ समझने का मौका मिला ना बचने का। करीब 200 लोगों की अति दर्दनाक मृत्यु हो गई। 100 से अधिक लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। केवल एक ही सप्ताह के अंदर लगातार अनेकों देशों में विनाश का चित्र दृश्यमान हो रहा है। अभी भी कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि ये केवल एक संयोग है। ये संयोग नहीं बल्कि विनाश का आरंभ है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। फिलीपींस, साउथ कोरिया, सोमालिया, भारत, देशों के नाम अवश्य अलग अलग है पर कहानी एक ही है। खंड प्रलय में अनेकों लोगों की मृत्यु। 29 अक्टूबर 2022 को फिलीपींस के तट से टकराया भयंकर समुद्री तूफान। तीव्र रफ्तार से तूफान ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों को संभालने का मौका तक ना मिला। कहीं बाढ़ आ गया, कहीं पहाड़ नीचे गिर गया, कहीं घर उड़ गए। करीब 10 लाख लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। करीब 9 लाख लोगों को सुरक्षित उद्धार किया गया है। 40,000 हेक्टेयर खेती संपूर्ण नष्ट हो चुकी है। ना पीने के लिए शुद्ध जल है, ना ही बिजली, ना ही ढंग का खाना। और सबसे दुखदायक बात यह है कि करीब 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ और 100 के करीब लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। किसका पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई बच्चा अनाथ हो गया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने माँ, अपने पिता, अपने पति, अपने पत्नी एवं अपने बच्चों को खो दिया। इससे और क्या दर्दनाक हो सकती है। थोड़ा कल्पना कीजिए कि लोगों की परिस्थिति क्या हुई होगी। प्रभु सबकी आत्मा को शांति दे और फिर लोगों को इस दर्द को सहने की शक्ति दे। क्या ये प्राकृतिक आपदा हम मनुष्य रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे अगर हम प्रकृति का बर्बाद नहीं सम्मान करते। आज उस आधुनिक विज्ञान से प्रश्न पूछना चाहिए जो कहता है कि भगवान काल्पनिक है। क्या उस आधुनिक विज्ञान के पास इस तूफान को रोकने की शक्ति है? नहीं, उल्टा उसी आधुनिक विज्ञान के कारण ही ये सब हो रहा है। अविनाश से बचना असंभव है। हमने जो करना था कर लिया, अब प्रकृति अपना फल दे रही है। इस विनाश के बाद ही एक नया आरंभ हो पाएगा। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।